If you are a content creator, everything that happens around you, anything that is related to you, is a content. और पिछले कुछ हफ्तों से जो मुझसे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि और ये दाढ़ी कम करो, क्या हो गया? कौन से मजनू बने हुए हो? तो इससे कुछ टाइम पहले मैंने बाल बड़े रखे हुए थे, तब भी मुझसे यही सवाल पूछा जा रहा था कि बाल बड़े क्यों रखे, और अब जब मैंने दाढ़ी बड़ी रखी है तो भी मुझसे यही सवाल पूछा जा रहा है कि दाढ़ी क्यों रख लिया, मजनू बन गए हो, क्या हो गया है तुम्हें? तो देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड कीपिंग माय बियर्ड फॉर सो लॉन्ग। ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए मैंने दाढ़ी, मतलब खत वगैरह बनवा लेता हूँ, लेकिन ट्रिम नहीं करवाई। कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे, बस ऐसे ही दिल किया रख ली, और जब रख ली फिर दिल नहीं कर रहा था कि कटवाने को, कोई रीज़न भी नहीं मिला स्पेसिफिक कि यार ये ओकेजन है तो दाढ़ी की थोड़ी सेटिंग करवा ली जाए, तो इसी वजह से। और मुझे भी अच्छी लग रही थी और लग भी रही है अच्छी, जो बात है। लेकिन आज फाइनली मैं जा रहा हूँ दाढ़ी कटवाने, और आज कटवाने का भी कोई रीज़न नहीं है, मतलब ऐसे ही दिल कर रहा है कि रख लूँ, जैसे दाढ़ी रखने का दिल किया था कि रख लूँ, वैसे आज कटवाने का दिल कर रहा है कि कटो। एंड मोस्टली व्हेन आई एम हियर एट माय विलेज तो कुछ करने को होता नहीं है, बस सुबह शाम यहीं इन खेतों में जो है ना घूम फिर कर लगा लेता हूँ चक्कर। इससे आगे मेरा बाड़ा है वो किसी और दिन दिखाएंगे, जब ड्रोन लूँगा कैमरा लूँगा तो ऊपर से आएंगे ना, तो मोस्टली मेरे पास कुछ करने को होता नहीं है, तो बस सुबह शाम इधर चक्कर वक्कर लगा लेता हूँ। फूल लेने वाली भी कोई नहीं है कि दे दे, ऐसे चल रहा है यार। जी तो आ गया हूँ मैं दाढ़ी बनवाने। टू बी ऑनेस्ट बात करूँ तो मेरा दिल नहीं करवा के दाढ़ी कटवाऊँ, लेकिन अभी और ज़्यादा रख लूँगा तो फिर कटवाने में भी शर्म आए, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू सी यू। आय हाय हाय हाय, इतना चिकना चिकना तो नहीं लग रहा, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही जैसे कि मुझे किसी ने नंगा कर दिया, और हवा भी इतनी लग रही जैसे मुँह पे, मतलब फाल हुए मुझे, मुँह पे कोई हवा ही नहीं लगी। लेकिन खैर अभी आए ये कहीं, ठंड बाहर बहुत ज़्यादा थी तो चाय पीने आए थे, मैं अकेला पीने आ रहा था, लेकिन थैंक्स टू हिम मुझे लाइक थी सर, है ज़्यादा लाइक। तो खैर चाय पीने आए और मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे मेरे कपड़े किसी ने उतार दिए, तो खैर। लेकिन आपको पता है जैसे मेरी ज़िंदगी आपके बिना फीकी है, वैसे ही मेरे ब्लॉग चाय के बिना फीके से लगते हैं। तो आ गए हम चाय पीने, चाय पीकर ब्लॉग को यहीं अख्ताम पजीर करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग पे मैं अभी बता रहा हूँ, ज़रूर देखना उसके जो मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ना, मुझे तो अभी से मतलब उस कैमरा में, बड़े कैमरा में देख कर मुझे तो अभी खुद से मोहब्बत आ रही थी, लेकिन वो थोड़ा पीछे वाला ब्लॉग है, इससे पहले वाला है तो दाढ़ी भी बड़ी होगी, खैर देख लेना अगर इफ़ यू आर मिसिंग माई दाढ़ी। खैर सी यू गाइस इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।